किसान साथियों नमस्कार। इस वर्ष लगातार वर्षा होने, पर्याप्त धूप न मिलने तथा नमी रहने से अनेक प्रकार के रोग पैदा होने के कारण मूंग, गवार, मोट वे सोयाबीन आदि फसलों की पत्तियां लगातार पीली पड़ रही है। पत्तियां पीली पड़ने पर पौधा भोजन बनाने में असमर्थ हो जाता है, फूल व फलियों का निर्माण कम होता है जिससे उत्पादन में भारी गिरावट होती है। धूप तथा पानी की कमी या अधिकता, फसलों पर किए जाने वाले स्प्रे वे अत्यधिक ठंड के कारण पौधे तनावग्रस्त हो जाते हैं जिससे पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। वर्तमान में खरपतवार नाशक दवाओं के अधिक उपयोग के कारण पौधों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, वे पौधे तनावग्रस्त हो जाते हैं। अगर आपकी फसल में काफ़ी दिनों से ग्रोथ रुकी हुई है या पत्तियां पीली पड़ रही है तो आप स्टेंस कंपनी की ग्रीन मिरेकल दवा का उपयोग कर सकते हैं। फसलों के लिए ये दवा संजीवनी बूटी के समान कार्य करती है। आप इस दवा का उपयोग किसी भी अन्य दवा जैसे खरपतवार नाशक दवा या फसलों में हरे काले मच्छरों को समाप्त करने वाली किसी भी दवा के साथ कर सकते हैं। इस दवा का कोई भी हानिकारक प्रभाव फसलों पर नहीं देखा गया है। ग्रीन मिरेकल एक स्ट्रेस एलिवेटर है जो पौधे को हर प्रकार के तनाव या बीमारी को समाप्त करने की ताकत देती है। इससे पौधे का तना, फल, फूल, पत्तियाँ वे जड़ें अत्यंत मजबूत बनती है जिससे फसल उत्पादन को 1.5 से 2 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। इस दवा का उपयोग सभी प्रकार की तिलहन, दलहन, खाद्यान्न, बागवानी वे सब्जी वर्गीय फसलों में किया जा सकता है। यह दवा हर प्रकार के पौधे को एकदम हरा व स्वस्थ बनाए रखती है। इस दवा का उपयोग फव्वारे या ड्रिप सिस्टम के माध्यम से या स्प्रे मशीन से कर सकते हैं। यह दवा 1 लीटर के पैक में आती है। 1 लीटर दवा को 400 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ फसल में उपयोग करना है। हमारे यहाँ पर सामान्यतः 1 लीटर दवा को 500 लीटर पानी में मिलाकर 5 बीघा फसल में उपयोग किया जाता है। आइए इस दवा के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए दवा विक्रेता श्री शेदेव जी मातवा से बात करते हैं। ग्रीन मिरेकल है, ग्रीन मिरेकल इसका यूज किया है बता दो। जो ये ग्रीन मिरेकल है, कभी कभी हम जैसे हर्बिसाइड वगैरह डालते हैं उसका साइड इफेक्ट हो जाता है तो पौधा क्या स्ट्रेस में आ जाता है, पीलापन आ जाता है उसके अंदर, उसको दूर करना है। और दूसरा अच्छा। खेत के अंदर कभी जल भराव हो जाता है। हाँ, मूंग की खेती की बात कर रहे हैं। हाँ वही तो कह रहा हूँ, मूंग या कोई सी भी फसल हो, अच्छा, जहाँ जल ज्यादा भराव हो जाता है हाँ। तो क्या कि उसके जड़ों में फंगल वगैरह दिक्कत आ जाती है और वो पीलापन आ जाता है। अच्छा, उसको दूर अच्छा। करने के लिए भी ये स्ट्रेस एलिवेटर है, यानी जो पौधे के अंदर तनाव आता है, अच्छा, तनाव को दूर करने के लिए काम आता है। अच्छा अच्छा, सबसे इसका यही मेन उद्देश्य है, जब पीलापन होता है ना पौधों के अंदर, उसको ये दूर करता है। अभी जैसे मूंग की फसल कई जगह पर ये पीली पड़ चुकी है, उसमें ये इसका उपयोग कर सकते हैं ना। बिल्कुल, ग्रीन मिरेकल का शानदार रिजल्ट है। 1 लीटर का है ना। हाँ, एक ये 500 लीटर पानी के अंदर 1 लीटर आपको डालना होता है। अच्छा, और कितनी जमीन पर इसकी एमआरपी है, मतलब अच्छा, ये आपने सेल में मिलेगा आपको। अच्छा अच्छा, कीमत है इसका बाजार के अंदर, कहीं चले जाओ इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं होगा। अच्छा अच्छा, तो कितने बीघे में डालना है इसको? ये आपको 5-6 बीघे तक आप इसका कर सकते हो। 6 बीघे तक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा, शानदार रिजल्ट है इसका, आपको 3 दिन के बाद आपका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। मूंग में जो येलो मोज़ेक होता है, येलो मोज़ेक के लिए बहुत शानदार है। अच्छा अच्छा, इसके अंदर आपको कार्बेनाजिन मैंकोजेब हाँ। प्लस ये इसके साथ में कर सकते हो, बहुत शानदार रिजल्ट आएगा। ठीक है ठीक है। और कहीं कहीं पौधे जो मूंग की फसलें हैं उसमें धब्बे होते हैं लाल लाल हाँ हाँ। वो एंथ्राकनोज नाम से बीमारी है। अच्छा, उसमें अच्छा। भी आप ये डाल सकते हैं, उसके साथ कार्बेनाजिन मैंकोजेब प्लस बैक्टीरिया माइसिन की गोली आती है 100 ग्राम की। अच्छा अच्छा, जो एंटीबायोटिक का काम करती है हाँ। वो आपके लिए शानदार रिजल्ट देगी आपको, अगर कहीं कोई समस्या आए तो। ठीक है ठीक है। अगर ये दवा आपको स्थानीय बाजार में नहीं मिले तो इसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में इस दवा का लिंक दे रहा हूँ, जिसे क्लिक करके आप घर बैठे 5 से 7 दिनों में इस दवा को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।